ये लंबी स्पीच देने के लिए, क्योंकि आप लोग पासपोर्ट और अपना बोर्डिंग पास रियल, इसकी सेफ्टी रखिए। पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर कंट्री जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो गड़बड़ में कहीं पासपोर्ट मिस हो जाएगा, कुछ होगा तो इसमें कोई दुश्वारियां होते हैं इसके अंदर, तो लिहाजा आप लोग जो है ना पासपोर्ट का ख्याल रखिए। और वहां पर जाकर जो है ना फिर इंडिया बार बार थोड़ा मिलाने की भी जरूरत नहीं। अपन इतनी दूर से जा रहे हैं, अपन इतने हजार किलोमीटर, तो वहां पर अल्लाह के तरफ लव लगा के जो है ना गिव करके दुआ करिए। आप लोगों के जो भी परेशानियां हैं वो अल्लाह ताला उसको जो है ना बिल्कुल रफा दफा हो जाते हो। तो आप लोग घर वालों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कंट्री के लिए, हमारे तेलंगाना के लिए, सब मिलजुल के रहना बोल के दुआ करिए। और सब और वहां पर जो है टैबलेट्स वगैरह दवाइयां भी ले आ रहे होंगे आप, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां इंशाल्लाह। इसलिए कि आप लोग जूस मत पीजिए, ठंडा पानी मत पियो वहां पर, क्योंकि नॉर्मल पानी पीजिए तो उससे जो है ना अपनी सेहत भी अच्छी रहेगी। टाइम पे सोए, टाइम पे इबादत करे, टाइम पे खाए, तो अल्लाह का करम है वहां पर। वो जमजम में इतना शफा है कि आपकी जो अगर पहले से बीमारी भी है तो वो साफ हो जाती हो, क्योंकि अल्लाह का करम ये है कि आप लोग के लिए जो है ना हम लोग एक कंट्रोल रूम भी कायम करे, 24 घंटे काम करेंगे कंट्रोल रूम। वो नंबर भी है, अभी इरफान आपको फाइनल में बताएंगे, वो नंबर पे आप लोग कॉल करके जो ना कुछ भी प्रॉब्लम है तो उस पर कॉल करिए, हम लोग यहाँ से मॉनिटर करेंगे। और हमारे सीएम साहब भी जो है पूरे ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट से लेके हर डिपार्टमेंट जो है ना हाजियों की खिदमत के लिए ठहरे हुए हैं, क्योंकि अल्लाह के करम से पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी लगी हुई है। तो अल्लाह का करम ये है कि आप लोग यहाँ से जो है दुआ पढ़ना शुरू कर दीजिए। हैराम बोलने के बाद जितने दुआएं करें, सफर में भी, प्लेन में भी, जहां बैठे वहां जो है पढ़िए। आप लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ओ नियामत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मुआज़िज मौलाना रहमान साहब, चेयरमैन हज कमेटी सलीम साहब, सीईओ हज कमेटी शफीउल्ला साहब, और यहाँ पर मौजूद अजीज मेंबर्स, मुआज़िज हाजी, आप सबको मेरा सलाम। पहले आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसे सलीम साहब ने कहा कि हर एक को ये मौका नहीं मिलता, जो भी आज हज के लिए रवाना हो रहे हैं बहुत ही किस्मत वाले हैं, और मैं जानता हूँ कि अपने ज़िंदगी के इस समय में हर एक का ख्वाहिश होता है कि एक बार मक्का जाकर आए। और आप सबको मैं इसी मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये आपको ये मौका मिला। हम जानते हैं कि हमारे जो रहते हैं हमारे द्वारा थोड़े गलत काम भी हो जाते हैं, जब जब किसी की और दूसरों की और गलत तरीके से पेश आना ऐसा भी हो जाता है। पर ये एक अजीज मौका है जब हमारे जितने भी गलतियां हुई है या जितने भी पाप हमने किए हैं उस सब को धोने के लिए। और इस मौके पर आप जब वहाँ रवाना हो रहे हैं, आप सबको मैं के लिए मैं भी दुआ करता हूँ। और वहाँ जाकर जो हमारे अजीज दोस्तों ने कहा है कि पूरे दिल से पूरा मन लगा के हम अल्लाह ताला की दुआ मांगेंगे। और वहाँ पर जैसे हमारे दोस्त शफीउल्ला साहब ने कहा कि वहाँ थोड़े चीज़ों के बारे में हमको ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। वहाँ वो देश जो है सऊदी अरेबिया, जैसे हमको यहाँ पर हैदराबाद या इंडिया में हमको आदत हो जाती है कि कुछ गलतियाँ कर दो यहाँ पर माफ हो जाता है। अल्लाह की तहजीब जो है वो इतने बनाए सदियों से बनाए रखे हैं, और यहाँ का जो फिजा है, जो अमन हम यहाँ पर बनाते आए हैं, उस सब के लिए आप वहाँ जाकर मक्का में इसकी दुआ करें कि ये बनाए रखें आगे चलकर। जो भी लोग
इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, गलत बातें कहना चाहते हैं, उससे हम भड़क ना जाएं और कुछ गलत काम कर लें। तो इस मौके पर हमारे दोस्त सलीम साहब ने मुझे यहाँ बुलाया था, बहुत बहुत खुशी की बात है। मुझे याद है जब मैं डीसीपी था ये एरिया का, सेंट्रल जोन का डीसीपी था 20 साल पहले, हम बहुत ही यहाँ पर बहुत समय गुजारते थे, पूरे हाजियों का वो बसेस तैयार करना, रवाना करना, एयरपोर्ट तक जाना, ये सब बेगमपेट एयरपोर्ट था जब, तो बेगमपेट एयरपोर्ट तक जाकर रवाना करना, ये सब मुझे याद है। तो बहुत खुशी की बात है मुझे आपने आज यहाँ पर बुलाया है और मुझे ये मौका मिला। आप सबको की तरफ से पेश करता हूँ, आप सबको ये प्रोग्राम के लिए थैंक वेलकम करता हूँ। ये आज 2022 दो साल के बाद में शुरुआत हुई है, ये साल पैंडमिक की वजह से दो साल हज नहीं हुआ है। अल्लाह सुबहाना तला रहम करके ये साल हज हो रही है, इसलिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ, ये तेलंगाना हज कमेटी से हाजिस में खिदमत करने के लिए, जो हाजिस के अकोमोडेशन, फूड अरेंजमेंट्स, एयरपोर्ट अरेंजमेंट्स, जो भी हाजिस को ट्रांसपोर्ट करना, पूरा प्रोसेस हम ये साल करे हैं। اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا الرضا والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطيعنا بعده، كآبة المنظر والسوء المنقلب في المال والأهل والبلد، اللهم أنت الصالح، حجك آسان فرما، جانے والوں کے لیے ہر طرح کی سہولت نصیب فرما، ہر قسم کی پشیمانی پریشانی دل دلسمائی سے حفاظت فرما، اے اللہ خیر خوبی عافیت کے ساتھ مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی اس حاضری کو قبول فرما، وہاں کی جانے والی تمام دعاؤں کو تمام امت کے حق میں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا